भारत में पहले इस बात को लेकर बहस थी कि भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ और वहां उनका मंदिर बनना चाहिए। इस बहस को 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करते हुए मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन अब पड़ोसी देश नेपाल ने अयोध्या को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किसके हैं भगवान राम। एक रिपोर्ट देखिए। भारत का पड़ोसी देश नेपाल अब तक सिर्फ भारत के कुछ इलाकों को अपना बता रहा था और भारत को आग दिखा रहा था, लेकिन अब तो वह भगवान राम के जन्मस्थल को लेकर भी बड़ा दावा करता नजर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता को जाते हुए देख लगातार भारत पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दावा किया है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। ओली पहले कह चुके हैं कि भारत उनको सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है। ओली ने सवाल किया कि उस समय आधुनिक परिवहन के साधन और फोन की सुविधा भी नहीं थी तो फिर राम जनकपुर तक कैसे आए। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती पर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास ब्लू वाटर पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि नेपाल पर सांस्कृतिक रूप से अत्याचार किया गया है, ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़ा मोड़ा गया है। हम अब भी मानते हैं कि हमने भारतीय राजकुमार राम को सीता दी थी। उन्होंने दावा किया कि हमने भारत में स्थित अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी बल्कि नेपाल के अयोध्या के राजकुमार को दी थी। अयोध्या एक गाँव है जो बीरगंज के थोड़ा पश्चिम में स्थित है। भारत में बनाया गया अयोध्या वास्तविक नहीं है। ओली ने तर्क दिया कि अगर भारत की अयोध्या वास्तविक है तो वहां से राजकुमार शादी के लिए जनकपुर कैसे आ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि विज्ञान और ज्ञान की उत्पत्ति और विकास नेपाल में हुआ। आपको बता दें कि नेपाल में कई दिनों से केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग उठ रही है। ओली के खिलाफ अपनों ने ही मोर्चा खोल दिया है। इस बीच उन्होंने अब भारत को आड़े हाथों लेते हुए अयोध्या का नया राग छेड़ दिया है। देखना होगा कि आखिर इस दावे को लेकर और क्या कुछ सामने आता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।